أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اله الاولين والاخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز ومحترم حضرات علماء زمداران مسجد اور بزرغو اور ديني بھائیوں جوانو आज यहाँ आप लोगों के रूबरू हाजिर होकर बड़ी ख़ुशी और मसरत हो रही है कि एक मुद्दत बाद फिर से आप लोगों से मुलाकात हुई एक तवील वक्फ़ा हमारा अपना बहुत सारे हमारे अपने दीनी नशातात, दीनी एक्टिविटीज़ से बिल्कुल दूर रहकर गुज़र गया लेकिन अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से हमें हमारे अपने दीनी नशातात का आगाज करने का अल्लाह ताला ने मौका इनायत किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी डगर पर अब चल पड़े हैं अल्लाह करे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसमें कोई रुकावट पेश आए अब ये सिलसिला हमारा इनशा जारी रहे सारी रहे हाजिरीन कराम जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि मुझे खानदान के इस्तेकाम की बुनियादें खानदान की सालिमियत और खानदान की मजबूती की क्या बुनियादें हो सकती हैं उस पर आप लोगों के सामने मुझे गुफ्तु करनी है सबसे पहले हमें अल्लाह रब्लम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बैठे बिठाए नहमत इस्लाम से हमें वाबस्ता कर दिया अभी आप लोगों ने शेख अजगर साहब की तकरीर भी सुनी कि राह हक की तलाश में वो कैसे सरगर्दा रहे और कैसे उन्हें ये हक का रास्ता मिला इसमें उन्हें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी क्या कुछ हुआ ये आपने अभी बगौर सुना था मगरब से पहले की तकरीर में तो अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने हमें इस्लाम की नमत से जो नवाज दिया ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है इस दुनिया में हमें वजूद बखशने के बाद सबसे पहला इनाम अल्लाह ताला का यह है कि अल्लाह ताला ने हमें इस जी कायनात का एक हिस्सा बनाया और वो भी इंसान की शक्ल में जो समझता है सोचता है बोलता है तो इस तरह का एक इंसान अल्लाह ताला ने हमें बनाया और उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें उसे पहचानने वाला बंदा जो बना दिया ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है बहुत बड़ी नमत है मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमें इस इस्लाम से जोड़ने के बाद हमारे लिए कुरआन जैसी नेमत भी अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी है और इस कुरआन के बारे में खुद इस कुरआन के उतारने वाले ने इस हकीकत का ऐलान किया कि इन हादल कुरआन यह दी लिल्लती अकवम के यकीनन ये कुरआन उन रास्तों की तरफ रहनुमाई करता है जो बिल्कुल दुरुस्त और सीधे होते हैं हमारी अपनी जिंदगी इसके कितने शोबे हो सकते हैं आदमी अगर गौर करता है तो वो इनफरादी जिंदगी भी गुजारता है इज्तिमाही जिंदगी भी मुआशरती जिंदगी भी इकतसादी जिंदगी भी और इस दिवाजी जिंदगी भी इंसान गुजारता है और सभी जिंदगी के शोबों के लिए कुरान के ताल्लुक से कुरान के उतारने वाले का यह ऐलान है कि इन कुरान दी ली अकवम कि यह कुरान उन रास्तों की जिंदगी के हर शोबे के लिए उन रास्तों की रहनुमाई करता है जो बिल्कुल सीधे और दुरुस्त होते हैं यह कुछ तमहीदी कलिमात थे जो मैंने आपके सामने रखे तो अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं खानदान के, के इस्तेकाम की बुनियादें मुल्के खानदान किसे कहा जाता है मेरे भाइयों? मुख्तसर सी तारीफ खानदान की कि जब एक मर्द और, और औरत एक लड़का और लड़की बलुगत को पहुंचने के बाद जब वो जवज यानी रिश्ते इस रिवाज में जुड़ जाते हैं तो समझिए कि एक खानदान का नया वजूद होता है एक मर्द और एक औरत जब मियां बीवी बनते हैं तो समझिए कि वहीं से एक नया खानदान शुरू होता है कि इन दो के बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो उन्हें औलाद की नेमतों से नवाजेगा तो फिर वो खानदान और फलता फूलता चला जाएगा मगर साथ ही यह बात भी हमें मालूम कर लेनी चाहिए कि यह मियां बीवी का रिश्ता जो कि एक इंसान एक मर्द और औरत के शुरूर को पहुंचने के बाद बड़े होने के बाद कायम होता है यह रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि आगे चलकर कभी टूट भी सकता है कि नहीं चंद इसबाब वगैरह की वजह से वजूहत उसके टूटने के भी पैदा हो सकते हैं तो यह जो रिश्ता बाद में कायम होता है मियां बीवी का कहीं इस रिश्ते के अंदर लड़का या लड़की खिलवाड़ ना करें इसकी हिफाजत के लिए हमारी अपनी शरीयत में बहुत सारे कवानीन हमको बताए गए बहुत सारी बेहतरीन तालीमात हमको दी गई इस इस दिवाजी रिश्ते को कहीं कोई लड़का मामूली सबब से खत्म ना कर दे या कोई लड़की अपने शौहर से जुदा हो जाना ना चाहे तो इसलिए बहुत ही संगीन अहकाम हमको दिए गए कि कोई भी लड़का अगर अपनी बीवी से बिला वजह या किसी मामूली सबब पर उससे अगर जुदा होना चाहता है तो याद रखे कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब वो हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उसे पकड़ेंगे कि आखिर किस बुनियाद पर तूने अपनी बीवी को छोड़ा या कोई लड़की इसी तरह अपने शोहर से अगर जुदा होना चाहती है अपने दुनियावी किसी सबक की वजह से तो उसे भी याद दिलाई गई बात के याद रखें कि अल्लाह ताला के पास तुम्हारी पूछ होगी अगर शौहर और बीवी के दरमियान कुछ इख्तलाफात अगर चल रहे हो तो ऐसी सूरत में इन इख्तिलाफ का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया कि लड़के की तरफ से नुमाइंदा और लड़की की तरफ से नुमाइंदा ये दोनों बिल्कुल जाएं कुछ दो चार इधर के दो चार उधर के और मकान उन दोनों के इख्लाफा खत्म करके इस रिश्ते को बाकी रखने की पूरी कोशिश करें सुलह सफाई करने की पूरी कोशिश करें अगर कोई सूरत ना निकलती हो तो फिर ऐसी सूरत में जुदा भी हो सकते हैं लेकिन देखिए कि हमारे अपने दीन इस्लाम में इस रिश्ते जूजियत को बाकी रखने के लिए कितनी प्यारी तालीमत हमको दी गई हैं मगर इसके बावजूद भी हम हमारे आज के मुआशरे में अगर नजर दौड़ाते हैं कितनी शादियां होती भी हैं कि इसके बाद अभी एक हफ्ता नहीं गुजरता महीना नहीं गुजरता कि बिल्कुल लड़का अपनी बीवी को छोड़ने के लिए आमादा होता है और लड़की उधर से अपने शौहर से जना अलग होना चाहती है कितने खानदान जुड़ते हैं कायम होते हैं और अभी पूरी तरीके से जम भी नहीं पाते अपने कदम मजबूती के साथ जमा भी नहीं पाते हैं कि इतने में उन खानदानों में दरार पैदा हो जाती है और वो टूट जाते हैं खत्म हो जाते हैं और ये चीज ऐसा भी नहीं कि इंसान यानी कि सिर्फ उन लोगों में जो जिहालत के अंधेरे में डूबे रहते हैं या जो फकरो फाके से दो चार हैं ऐसे ही लोगों के अंदर ये चीज नहीं बल्कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे खानदानों में भी और पैसों की रेल पेल जहां होती है दौलत के नशे में जो चूर होते हैं वहां भी हम देख सकते हैं कि ऐसे हालात पैदा होते हैं कि शादी हुई और फिर उसके बाद वो रिश्ता निभता नहीं और वो फिर जो ना खत्म हो जाता है तो ये ऐसे हालात आखिर क्यों होते हैं मौजूद हाजरीन मैं आप लोगों के सामने यही बताना चाह रहा था कि हमारी अपनी दीन इस्लाम की पाकिजा तालीमत खानदान को मजबूत बनाने और उस रिश्ते को मियाँ बीवी के रिश्ते को बाकी रखने के लिए इतनी प्यारी तालीमत देने के बावजूद भी हमारे अपने पास आज के माशरे में हम ये देखते आ रहे हैं कि बहुत जल्द खानदान बिखर जाते हैं टूट जाते हैं और जी फसाद का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में वो क्या अहम बुनियादें हैं कि जिन बुनियादों पर ख़ानदान अगर कायम होंगे तो इन श्ला उसमें मजबूती आएगी और वो मुस्तकम होंगे और ये रिश्ता इनशाला मरते दम तक कायम भी रह सकता है मियाँ बीवी कम तो इसमें मैं यहां कुछ बातें कुछ करने के और कुछ ना करने के आप लोगों के सामने में इंशाला गिना रहा हूं देखिए सबसे पहली बात जो कि शादी शुदा जोड़े को करना होता है लड़का और लड़की इन दोनों को जो चीज करनी है तो वो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और दूसरे के हकूक की मारिफत लड़का है तो शौहर है तो बीवी के हकूक की मारिफत, बीवी है तो शौहर के हकूक की मारिफत और अपनी अपनी क्या जिम्मेदारियां होती हैं इनका एहसास और इनकी अपनी मारिफत और इनको जो है सीखने की जरूरत है कि जब एक लड़का ऐसी लड़की जो कि एक कभी ऐसा भी होता है कि अपने रिश्तों में शादियां होती हैं और कभी बिल्कुल रिश्ते से बाहर तो दो ऐसे लड़के और लड़कियां जो बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं इस रिश्ते से जब जुड़ जाते हैं तो हर एक की यह तमन्ना होती है इसी रिश्ते में जुड़ते हुए शादीशुदा जिंदगी का आगाज करते हुए मिया बीवी ये चाहते हैं कि उनकी ये जिंदगी खुशियों से भरी रहे इनकी जिंदगी में मसरतों का सिर्फ पड़ाव हो और रंजो अलम महरूमिया हसरतें इनका साया भी हमारी अपनी जिंदगी में ना आने पाए यह हर जोड़े की ख्वाहिश होती है तमन्ना होती है जो कि जायज है तो इसके लिए जिन बुनियादों की जरूरत होती है तो उसमें सबसे पहली बुनियाद एक दूसरे के हकूक जानकर अपनी जिंदगी का आगाज करें कि शोहर किस तरह से अपनी बीवी के हकूक अदा करेगा और बीवी कैसे अपने के अदा करेगी और हर एक की क्या जिम्मेदारी है तो इसे सबसे पहले जानकर इस जिंदगी में कदम रखना चाहिए और आज के दौर में बहुत सारे इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी आजकल होने चलने लगी है कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों के लिए बिल्कुल ऐसे जोड़े जिनकी शादियां तय हो चुकी होती हैं कई लड़कों को और लड़कियों को जमा किया जाता है और उन लोगों को हालात बताए जाते हैं कि एक लड़के को और एक लड़की को इस दिवाजी जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए कैसे एक दूसरे के हकूक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए इसका एक तरह से उनको बैकअप किया जाता है यह सारी मालूम दी जाती हैं तो हर जगह अगर इसी तरह का जी काम होने लग जाए शादी से पहले लड़के को भी समझाया जाए लड़कियों को भी समझाया जाए कि आप जिस जिंदगी में कदम रखने जा रही हैं उसके क्या तकाजे हैं वहां क्या जो ना एक दूसरे के हकूक कैसे अदा करना चाहिए ये सब समझाकर जब शादियां की जाएंगी तो मैं समझता हूं कि इंशाला इसके बाद ये जो ना खानदान मजबूत इंशाला रहेंगे और फिर इसी तरह से दूसरी अहम चीज आज के हमारे अपने इस्लामी तर्ज जिंदगी के आम उन्वान का एक हिस्सा बनकर के इस्लाम में अखलाक की अहमियत के उनवान पर आपने माशाला शेख मोहम्मद जमा साहब से बहुत मुफसल अंदाज में आपने तकरीर सुन ली है तो हस्ने अखलाक ये जो ना क्या इस जेवर को मियाँ हो बीवी हो दोनों को अपनी जिंदगी में इससे इस जेवर से आरास्ता होने की कोशिश करना चाहिए वोवरऑल कि पूरी जिंदगी में हुसन अखलाक की कदर कीमत एक इंसान को शौहर के रोल में भी हसन अखलाक से पेश आना है वैसे ही एक औरत को बीवी के रोल में भी बीवी के किरदार में भी हसन अखलाक के जेवर से आरास्ता होना चाहिए तो इसकी वजह से इन खानदान यकीन मुस्तकम होंगे यह तो एक आम हसन अखलाक की बात हुई इसी हुसन अखलाक का एक अहम हिस्सा हमारी अपनी जबान का इस्तेमाल होता है कि एक शौहर अपनी बीवी के लिए एक बीवी अपने शौहर के लिए इज्जत और एहतराम की जबान इस्तेमाल करें मीठी और शीरी जबान इस्तेमाल करें क्योंकि जबान पर अल्लाह ताला ने जबान के इस्तेमाल के ताल्लुक से कितनी अहम तालीमात हमको दी हैं इबादी यकुल्लती हीसन अल्लाह तुने ये फरमान है कि मेरे बंदों से आप कह दीजिए वसल्लम मर्द हैं खातीन हैं सब अल्लाह कहते हैं कि उनसे आप फरमा दीजिए कि कहें तो अच्छा कहें बोलें तो अच्छा बोले यकुल्लती ही याहसन और वैसे ही प्यारे रसूल सल्लासम भी यही फरमाते हैं कि मनकाना बिल्लासमुत कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो बोले तो अच्छा बोले वरना चुप रहे और एक चुप सौ बलाएं टालती हैं ये सब हम जानते हैं सा? जी और बड़े लोग हम हमें अक्सर जो ना कहा करते हैं बड़े लोगों का उनकी कहावत कि पहले तोलो, फिर बोलो आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी अपनी जबान से मैं क्या निकालने जा रहा हूं और आम तौर पर यह भी बात मशहूर है कि बात बात से ही बिगड़ती है तो आदमी अगर बात अच्छी करे और अच्छे अंदाज में करे तो सामने वाला भी गुस्सा नहीं होता है लेकिन हमारे अपने पास कई सी ज़बानें हम अपनी बीवियों के लिए इस्तेमाल करती हैं आरी जारी वाली जबान होती है गे बात बात में तू क्या बोलती गे मई क्या बोलती? ऐसी जबाने इस्तेमाल जब करते हैं तो उसकी वजह से बीवी के दिल में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी और अगर कोई बीवी अपने शौहर के लिए इसी तरह से आरे जारे वाली जबान अगर इस्तेमाल करेगी तो उस शौहर के दिल में अपनी बीवी के लिए कौन सी इज्जत रह जाएगी समझिए तो यह हमारी अपनी जबान का इस्तेमाल हमारे अपने बहुत सारे मसाइल आने से पहले खत्म कर सकते हैं इंशाला और जबान ही की वजह से ज़बानी की वजह से ही और जबान से जो आया वो बोल देते हैं तो ऐसी सूरत में ही हमारे अपने रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू होती है तो इसलिए शौहर और बीवी दोनों को अपनी अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल करने की जरूरत है इसीलिए निकाह की महफिल में जो आयतें पढ़ी जाती हैं तो उसमें सुर एजाब की आयत में अल्लाह तकवा उसका हुक्म देने के बाद अल्लाह ताला यही बताते हैं सदीदा कि बातें करो तो बिल्कुल दुरुस्त बातें करो नतीजा क्या होगा लकुम आमालकुम तुम्हारी अपनी बातें दुरुस्त होंगी तो तुम्हारे सारे आमाल अल्लाह ताला दुरुस्त कर देंगे तुम्हारे अपने आमाल में तुम्हारी अपनी इस दिवाजी जिंदगी का भी बहुत हिस्सा है तो अल्लाह ताला ये जो ना वादा करते हैं कि तुम अगर शीरी जबान इस्तेमाल करो दुरुस्त बातें अगर कहने लग जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत सारे आमाल की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो यूं हमारे अपने लिए ये चीज यानी कि जबान का इस्तेमाल हमारी अपनी जो ना क्या है इज्जत एहतराम की जबान अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर यकीन हमारे ये रिश्ते देर पा रहेंगे और मजबूत रहेंगे इन श्री इसी तरह से एक और चीज जो कि हमारे अपने खानदान को मजबूत से मजबूत तर बनाने की लिए जो बहुत जरूरी काम है जिसे हमको करना चाहिए तो वो है खातन को भी मशवरों में शामिल करना बहुत सारे घरानों में मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि औरत को बोलने की इजाजत भी नहीं होती है आपका कोई भी मामला हत्या के अपने बच्चों की शादी का मामला भी आता है चाहे बेटे की हो कि बेटी की हो बहुत सारे मर्द हजरात औरत का मशवरा ही लेना नहीं चाहते तू क्या बोलने वाली मैं जहां चाहूंगा करूंगा मेरी बच्ची की शादी मेरे बच्चे की शादी ऐसे जो ना बोलने वाले ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसा कोई भी मामला हो जाए घरेलू कितने मामलात होते हैं घर के अंदर कौन सा साजो सामान आएगा घर को कैसे जो सजाया जाएगा जो कोई भी हो हत्या के आप अपनी तिजारत के अंदर भी अपनी बीवी से मशवरा ले सकते हैं होता है ऐसा कि बसा औकात आपकी अपनी तालीम और आपका अपना तजुर्बा कम हो सकता है और आपकी अपनी बीवी आपसे ज्यादा आला तालीम याफ्ता हो सकती है लेकिन मर्द की मर्दानगी औरत के उस फायदे से फायदा उठाना औरत के साथ जो डिग्री है और जो उसका ऊंचा मैार है तालीम का तो उससे वो फायदा उठाने में रुकावट बनती है कहती है कि वो मेरी बीवी है बंदा कहता है कि वो मेरी बीवी है चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले मैं उससे कोई मशवरा नहीं लूंगा तो जब बातें ऐसी होने लगती हैं तो फिर उसके बाद बीवी के दिल में आपके लिए क्या जुना बात रह जाएगी कि मुझे जब किसी मशवरे में शामिल नहीं किया जाता है तो फिर उसके बाद उसका दिल टूटता है और फिर वहीं से समझिए कि खानदान बिखरना भी शुरू हो सकते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे आला इंसान खैरुल बशर आप हैं मगर इसके बावजूद आप अपनी बीवियों से भी मशवरा लेते हैं बल्कि कबूल भी करते हैं अगर मुनासिब मशवरा हो मारूफ है बात सीरत की किताबों में सीरत में आप जो पढ़े भी होंगे कि किस तरह से सुलह सुलहुदेबिया के मौके पर साहबा जब उमरा करने के इरादे से अहराम बांध कर निकले थे और रास्ते में मुशरकिन ने रोक दिया था और उस वक्त अहराम खोले बगैर और कोई चारा भी नहीं था तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि भाई अब अहराम खोल दो अभी हमको अहराम खोलना ही है लेकिन कोई भी उस पर अमल नहीं कर रहे थे तो आखिर हजरत सलामा रज अल्लाह तला ने आपको मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल आप ऐसे बोलते मत रहिए आप खुद अपना एहराम खोल कर जाइए साहबा के सामने तो देखिए कि खुद ब खुद वो लोग भी अहराम अपना खोल देंगे तो आपका मशवरा कबूल करके अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने जब अपना अहराम उतार दिया तो फिर उसके बाद सारे साहबा भी आपके नक्शे कदम पर अपना अहराम उतारने लग गए तो बड़े बड़े मशवरों में बड़े बड़े कामों में भी अपनी बीवियों से मशवरा लेने में कोई आर नहीं समझना चाहिए उन्हें भी मशवरों में अगर शामिल करें और अच्छा और बेहतरीन मशवरा हो तो उसको कबूल भी करेंगे तो यकीन उनके दिल में या कि आपके ताल्लुक से इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपका मकाम भी ऊंचा हो जाएगा तो यह सब जो ना क्या है हमारे अपने खानदानी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए अहम जो बुनियाद है समझिए और इसी तरह से एक और अहम बुनियाद कि जो हमारे अपने खानदानी जिंदगी को हमारी अपनी इस दिवाजी जिंदगी को मजबूत बनाने में कामयाब और या उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है समझिए तो वो है किनायत की जिंदगी गुजारने की आदत ना डालना किनायत यानी कि जितना मिला है उस पर बस करना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ऐसा नहीं कि फुला जगह हमने ये देखा और ये देखा वो देखा या आजकल हमारे अपने घरों में टीवीओं का तो बिल्कुल भी जो ना क्या है अंबार है समझिए और जब औरतें अपना वक्त सीरियल देख के ये वो जब देखते करते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर भी वो ख्वाहिशात और वो तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती हैं पैदा होती हैं कि हां अगर बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए उसका जेवर ऐसा होना चाहिए और फिर उसके बाद शौहर की जिंदगी और उसका जीना वो हराम कर देती है मुतालबात के जरिए ऐसे बड़े बड़े मुतालबात उसे मालूम है कि मेरे शौहर की कमाई कितनी है उसकी आमदनी कितनी है मगर आमदनी से भी कहीं ज्यादा मुतालबात शुरू कर देती है तो फिर उसके बाद जिंदगी अजीरन बन जाती है तो एक तरफ से आदमी को किनात की जिंदगी औरतों के अंदर इस हैसियत से लालच पैदा होता है और जिंदगी की ख्वाहिशात तूल पकड़ती चली जाती हैं तो मर्दों में भी किनायत होनी चाहिए कि जिस कदर मैं अपनी मेहनत से हासिल कर रहा हूं उस पर मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ससुराल में मेरे बहुत दौलत है मेरा ससुर मालदार है या मेरे अपने साले मालदार हैं तो मैं अपनी बीवी से कभी यह मुतालबा नहीं करना कि जाओ अपने ससुर से मांग कर ले आओ जाओ अपने भाइयों से मांग कर लेकर आओ कि उनके पास तो बहुत पड़ा हुआ है देने में क्या हर्ज है नहीं तो ये दोनों तरफ से जब आप अपने ससुराल से मांगना शुरू कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी कोई वक़ात नहीं रह जाएगी तो इसलिए आदमी को इन सब बातों से परहेज करना चाहिए और जब ये नहीं होंगे कि लड़के की तरफ से भी कोई मांगे ना हो और लड़की भी अपने शौहर की आमदनी का लिहाज करते हुए जिस कदर मुमकिन है उतना मुतालबा करे तो फिर ये जिंदगी तवील तरीन भी होगी और मजबूत भी होगी ये सब हो सकता है लेकिन जब बेजा ख्वाहिशात अगर लड़की करने लग जाए और शौहर को परेशान करने लग जाए तो फिर उसके बाद उसकी अपनी जिंदगी अजीरन होकर रह जाती है हजरात ये एक कुछ बातें जो करने की मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं और कुछ बातें हैं जो ना करने की खानदान को मजबूत से मजबूत तर बनाना हो तो कुछ ऐसे काम हैं कि जिनसे हमें बचना चाहिए दूर रहना चाहिए तो उन कामों में सबसे अहम और सबसे पहली बुनियादी बात शौहर बीवी के हक में या बीवी शौहर के हक में बदगुमानी में मुबतला नहीं होना शक को शुभा नहीं करने लग जाना अल्लाह ल्ला का फरमान है कि या आमनु मिन यूह लदीन इस्म मनुज थी ईमान वालों ईमान का यह तकाजा है कि तुम्हें बदगुमानी करने से बचना चाहिए कि बहुत सारी बदगुमानियां तो गुनाह तक भी पहुंच जाते हैं बदगुमानी करके आदमी गुनाह कमा लेता है बदगुमानी यह ऐसी चीज शक को शुभा अगर जरा सा भी दिल में जब पैदा हो जाता है शैतान ताक में रहता है कि कब किस शौहर के दिल में अपनी बीवी के खिलाफ बदगुमानी पैदा हुई या किस बीवी के दिल में अपने शौहर के खिलाफ बदगुमानी पैदा हुई कि मैं अब उसे इतना बड़ा करूंगा कि उसके बाद इन दोनों का बिल्कुल जरा क्या खातिमा हो जाए इन दोनों का रिश्ता ही खत्म हो जाए यह शैतान ताक में रहता है समझिए बदगुमानी और यशक को शुभ इतनी बुरी बला कि आदमी अगर इसमें मुब्तला हो गया तो फिर उसके बाद कि अपनी बीवी के लिए वो इस पर ही कैम लगा दे कि कहां कहां मेरी बीवी अब घर में कौन आता है मेरे जाने के बाद मेरी गैर हाजिरी में मैं उसको देखता रहूं या फिर बीवी अपने शौहर के पीछे किसी जासूस को लगा दे कि कहां कहां मेरा शौहर जाता है मैं उसकी जना निगरानी करती रहूंगी तो फिर उसके बाद ये जो बदगुमानी का सिलसिला अगर शुरू हो गया तो समझिए कि फिर ये खत्म नहीं होता तो इसलिए ये सिलसिला अगर शुरू हुआ तो उसी वक्त इसका गला घोंट कर खत्म कर देना चाहिए ये बदगुमानी शैतान इसी के जरिए हमारी अपनी जिंदगियां खत्म करा दे सकता है शैतान उसी वक्त तो खुश होता है इबलीस हम सब जानते हैं जी हदीस बार बार सुन चुके होंगे कि किस तरह से शैतान इबलीस अपने चेलों को भेजता है जी सुबह से भेजता है कि जाओ बंदों को इंसानों को गुमराह करो और फिर उसके बाद शाम में हर एक को जना आकर रिपोर्ट देने के लिए कहता है कि आओ कि तुमने क्या क्या काम किए क्या कारनामे तुमने अंजाम दिए जरा रिपोर्ट तो दो बोल के हर शैतान आता है आके बहुत सारी बातें कर कहता कि मैंने उससे जो ना क्या है उसको शराब पिला दी मैंने उससे जिना करा दिया मैंने उससे झूठ बुलवा दिया मैंने उसको जो ना धोखा देने पर आमादा कर दिया बहुत सारे गुना गिनाता है शैतान किसी से खुश नहीं होता इबलीस जो उनका सरदार है एक उसका चेला आकर कहता है कि मैं दो मियां बीवी के दरमियान ऐसा बिल्कुल जी जमा रहा कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें और बदगुमानियां इतनी मैंने बढ़ाई कि दोनों अब खत्म हो गए जुदा हो गए दोनों का रिश्ता खत्म हो गया तो उस बंदे को यानी अपने उस चेले को इबलीस अपने गले से लगाता है और कहता है कि वाह तुमने काम किया तो ये जिस कदर नाजुक रिश्ता होता है तो इस रिश्ते को खत्म करने में और इसके अंदर दरार पैदा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है तो बदगुमानी से हमें बहुत दूर रहना चाहिए भाइयों और फिर इसी तरह से खानदानों में चाहे बीवी हो या बच्चे हो, जब उनसे भूल हो जाती है चूक हो जाती है कोई गलती हो जाती है तो छोटी छोटी गलतियों पर सख्ती के साथ पकड़ नहीं करना चाहिए आदमी को बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी करना चाहिए इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफात में अल्लाह ताला यह भी बताते हैं कि वल विमीन अल वीना अननास गुस्सा पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले लोगों में आपकी बीवी भी शामिल है लोगों में आपके बच्चे भी शामिल हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर के लोग गलती करें तो उनको मैं माफ करूं और मेरे अपने घर में मेरी बीवी से गलती हो गई नमक कभी किसी सालन में ज्यादा हो गया या कुछ और जनक चीज हो गई जिसकी वजह से क्या कपड़ा आयरन करते हुए कहीं कुछ जल गया कुछ भी हो गया तो उस पर इतना बरहम हो जाना कि क्यामत खड़ी कर देना तो यह चीज हमारे अपने खानदान को मजबूत नहीं बना सकते अगर हम चाहते हैं हमारे अपने खानदान की सालिमियत अगर हम चाहते हैं कि हमारा अपना ये रिश्ता बरकरार रहे तो हमें बास चीजें गलती जानकर भी ऐसे नजरअंदाज कर देना गोया कि हमने वो देखी ही नहीं चीज कभी ऐसा होता है कि आपकी जेब से हो सकता है कि आपकी बीवी सौ रुपया दो सौ रुपया उठा ले और वो भी किसी को अपने जो है रिश्ते में देने के लिए या उसकी अपनी कोई जायज ख्वाहिश को पूरी करने के लिए और आप जानते हैं कि हाँ उठा लिया गया मगर इसके बावजूद आप जाकर पकड़ ना करें बल्कि उसको दरगुजर कर दें, दें, तो हाँ मोहब्बत करता है इसीलिए मेरी ऐसी जो ना गलती पर कोई गिरफ्त नहीं किया लेकिन छोटी छोटी बातों पर गिरफ्त करने की अगर आदत रहेगी तो फिर ऐसे में ये रिश्ते निभते नहीं हैं बीवी एक हद तक देखती है और फिर उसके बाद खुला का मुताल कर देती है कि नहीं ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी जिंदगी बाकी नहीं गुजार सकती हूं बच्चे भी इसी तरह से डरे सहमे जिंदगी गुजारते रह जाएंगे और फिर आपके ताल्लुक से पता नहीं वो क्या क्या जो गुमान अपने जहनों में बिठा लेंगे कि हमारा बाप तो बिल्कुल हिटलर से भी आगे निकला हुआ है तो इसलिए ऐसी जना बिल्कुल जना बातें नहीं होनी चाहिए और इसी तरह से बहुत अहम एक नुक्ता जो अभी आपको बता रहा हूं औरों की बातों में नहीं आना हमारे अपने खानदान को हम अगर बचाना चाहते हैं तो दूसरों की बातें आंख बंद करके कबूल नहीं करना ऐसे होता है कि कभी कभी माशा अल्लाह से अल्लाह ताला ने मियां बीवी के अंदर इतनी मोहब्बत डाली होती है कि वो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं मगर उनकी ये हंसी खुशी कुछ लोगों की निगाहों में खटकती है वो नहीं चाहते कि ये मियां बीवी इतनी खुशी के साथ जिंदगी गुजारें। कभी ऐसे हसत करने वाले हमारा बुरा चाहने वाले हमारे अपने घर के भी अफ़राद होते हैं और कभी बाहर के भी होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि मियां बीवी देखते हैं खासकर माए देखती हैं या बहनें देखती हैं कि हमारा भाई तो अभी बीवी का होकर रह गया मां देखती है कि बच्चा अब हमारी अपनी तरफ तवज्जो कम कर रहा है अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देने लग गया है तो अब उसके बाद मां की कभी जना चाल होती है कभी बहनें ऐसी चालें चलती हैं कि बिल्कुल जैसे ही बच्चा घर में दाखिल होता है तो बीवी के खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल कर बैठ जाती हैं कि तुम्हारी बीवी ऐसा करती है इतनी देर से उठती है ऐसा करती है पकाने के लिए बोले तो नहीं पकाती है ये वो पता नहीं क्या कि क्या, सिर्फ क्या चाहते हैं वो कि इनकी ये जो हंसी खुशी है और इनकी ये जो मोहब्बत है ये नफरत में बदल जाए हमारा बच्चा बस हमारा ही होकर रहे हमें सोचना चाहिए कि हम इसीलिए शादी करते ही हैं कि हां उसका अपना हक है तो उसको अदा करेगा और आपके अपने हक में भी कोई कमी नहीं होती है आप मां हैं तो मां का दर्जा अलग बहने हैं तो बहनों का दर्जा अलग और बीवी है तो बीवी का दर्जा अलग ही होगा उसकी मोहब्बतें अलग ही होंगी जो मोहब्बत वो बीवी से कर सकता है वो आपसे और आप मां से बहनों से वैसे नहीं हो सकती उसकी हर एक में फर्क होगा तो मगर ऐसा होता है तो कभी कभी इस तरह से जी वरगलाने वाले वर्गलाते हैं तो दूसरों की बातों में आकर कभी लड़का इस तरह से अपनी बीवी से जी जो मोहब्बत करता रहता है तो उसमें कमी करने लग जाता है और डपटना शुरू कर देता है तो कभी लड़की के कान भरे जाते हैं लड़के के खिलाफ और करने वाले हो सकता अपने भी हो कभी ऐसा भी होता है कि खासकर वो लोग कि जिनकी बच्ची का रिश्ता उस लड़के के लिए पेश किया गया और उस लड़के ने किसी वजह से अगर ठुकरा दिया रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे लोगों के दिल में एक गांठ पड़ जाती है कि हमारी बच्ची को इसने जो ना रिजेक्ट कर दिया तो इसकी ये इस दिवाजी जिंदगी को भी हम खुशी से और मोहब्बतों से जीने नहीं देंगे इसके अंदर हम जहर घोल कर रहेंगे तो फिर उसके बाद लड़की के कान भरना शुरू करते हैं कि तुम्हारा शौहर ऐसा करता है फुला जगा जाता है ये काम करता है वो काम करता है और फिर उसके बाद लड़की जो अपने शौहर से मोहब्बत करती रहती है तो अपने शौहर ही के खिलाफ बदगुमानी में मुब्तला हो जाती है तो ये दूसरों की बातें बगैर तहकीक के ऐसे ही अफवाहों को जब कबूल करना शुरू कर देती हैं तो फिर उसकी वजह से ही हमारी अपनी ये जिंदगी बर्बाद भी होकर रह जाती है फिर इसी तरह से एक और बात ये दो बातें मैं बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि घर के अंदर मशाकिल मसाइल यकीन बहुत होते हैं अगर मिया बीवी अपने इन सारे मशाकिल को सारे मसाइल को खुद अपने ही घर की चार दीवार में रखकर हल करना चाहते हैं तो यकीनन बहुत जल्द और आसानी के साथ हल हो जाएंगे कभी अगर अपने इन मशाकिल और मसाइल को बाहर की दुनिया में आपने अगर जो ना क्या है लाकर उसको रूनुमा कर दिया उसको अगर खोल दिया अपने ससुराल में या फुला जगह किसी और से आप अगर इस तरह से करने लग जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके वो मशाकिल और आपके वो मसाइल कम होने की बजाय उनमें आए दिन इजाफा होता चला जाएगा क्योंकि दूसरे और लोग बहुत कम ऐसे होंगे जो आपके साथ मुखलिस होंगे और आपको मुश्किल से नजात दिलाने की कोशिश करेंगे वरना दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी छोटी सी मुश्किल को बड़ा से बड़ा बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं तो इसलिए घर के राजों को खासकर मुश्किल और मसाइल तो इनको घर की चार दीवार में हल करने की कोशिश करना चाहिए इसे बाहर की दुनिया में नहीं लेकर जाना चाहिए और आखिरी बात जो मैं इस वक्त जी सारे ही शौहरों और बीवियों से कहना चाहूंगा कि हमारा अपना हाथ में जो मोबाइल फोन का खिलौना होता है इसमें इतना वक्त नहीं गुजारना कि जिसकी वजह से हम अपनी बीवी के शौहर हो तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए या बीवी हो तो अपने शौहर और बच्चों के लिए वक्त ही निकाल ना पाए आज बहुत सारे खानदानों के टूटने और बिखरने की एक अहम बुनियाद यही मोबाइल फोन है कि जिसका इस्तेमाल इतनी कसरत से लड़का भी लड़की भी करते रहते हैं कि जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती एक दूसरे के हुकूक की अदायगी में कमी होती है एक दूसरे की जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं जिसकी वजह से ये खानदान बिखर जाते हैं बच्चे बिल्कुल हमसे जन दूर हो जाते हैं क्या जो ना उनके दिलों पर गुजरेगी तो ये मोबाइल फोन जी जिसकी वजह से बहुत सारे खानदान क्योंकि ये ऐसी चीज के इससे जब लड़की बात करती है तो लड़के के दिल में बहुत सारे वसवसे पैदा होते हैं कि इतनी लंबी लंबी गुफ्तगु किसके साथ होती है लड़का जब इसी तरह से उसमें लगा रहता है घुसा रहता है तो लड़की के दिल में बदगुमानी पैदा होती है कि आखिर यह किसके साथ इतनी देर देर तक हंस हंस के बातें कर रहा है तो इसलिए मोबाइल फोन का यह इस्तेमाल जरूरत के तहत करना चाहिए और अच्छे कामों में अगर हम करेंगे तो फिर हमारे अपने खानदान टूटने बिखरने से महफूज रहेंगे वरना इसी का गलत इस्तेमाल और कसरत से जो इसका इस्तेमाल होता है तो इसकी वजह से भी हमारे अपने बने बनाए खानदान बिखर जाते हैं और हमारी अपनी खुशियां गम में बदल जाती हैं और बुराइयों में बिल्कुल शर्म में जो तब्दील हो जाती हैं तो इसलिए हमें बातें तो वैसे बहुत सारी थी मैंने मुख्तसर कुछ अहम अहम बातें जो आज हमारे अपने माशरे में जी खानदानों के बिखरने के असबाब बने हुए हैं तो उनको मैंने रखा कि इन पर अगर हम तवज्जो देंगे तो इनशाला हमारे अपने खानदानी जिंदगी में इंशाला इस्तेकाम आएगा मजबूती आएगी और उसके अंदर इनशा वो तवील होंगी और देर पा भी होंगी और इंशाला मरते दम तक हमारा ये रिश्ता बराबर जारी व सारी रह सकता है और हमारे अपने बच्चे उनके सामने हमें बेहतरीन नमूना भी बनकर जिंदगी गुजारनी है क्योंकि सबसे अहम यही जो जरा वालिदेन का ही अपना किरदार होता है कि अल्लाह के रसूल स्यौल 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 तो यहां तक बताते हैं कि कि ये मां बाप ही होते हैं कि हर फितरत पर पैदा होने वाले बच्चे को भी यहूदी तक बना देते हैं नसरानी तक बना देते हैं तो फिर ऐसे में अगर हमने अच्छा और बेहतरीन नमूना अपनी औलाद के सामने नहीं छोड़ा तो फिर खानदान हमारा बिखरने से कोई नहीं बचा सकता अल्लाह ताला हम सबको इसकी तोफीक दे कि हर मर्द और औरत और अपने अपने तौर पर अपने अपने क्या क्या हकूक होते हैं क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं यह सब समझ कर अपने खानदान की हिफाजत में जी अहम किरदार अदा करने की कोशिश करें अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए और जो जो जी इस्बाब बहुत मामूली मामूली इस्बाब पर खानदान बिखरने के लिए चले हैं अल्लाह ताला उनके अंदर भी तफाहम पैदा करे उनके अंदर सुलह पैदा करे और उनके अपने रिश्तों को मजबूत बनाए और उनके खानदान को बिखरने से अल्लाह ताला उनको जो ना बचा ले तो बस इसी पर मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ वसल् वसलम आला नबीना मोहम्मद वायलावी अजमैन